तो भाई प्रीमियर लीग प्रेडिक्शन का टाइम आ चुका है वो वीडियो जिसे एक साल बाद मैं देख के ये सोचूंगा भाई बड़ा क्या फूक के मैंने ये वीडियो बनाई थी है ना भाई लेकिन यूजुअली मेरी कुछ प्रेडिक्शंस आर रहे पॉइंट और कुछ प्रेडिक्शंस तो दूर दूर तक बिल्कुल क्लोज नहीं आती है तो यस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आ जाते अपने बोर्ड के ऊपर येस इट इज गोइंग टू बी विनर प्रिडिक्शन जो कि मैं सीरियसली करूंगा क्योंकि मैं इधर उधर जाके आई नो मैं अपनी गट वाली प्रोडक्शन दे रहा हूँ जिसके अंदर तुम लोगों को पता होगा मैं कौन सी टीम जिता रहा हूँ लेकिन आज मैं पूरा सोच समझ के लिख के लाया हूँ भाई कि मुझे कौन सी टीम जतानी है नेक्स्ट इज इट इज गोइंग टू बी द बी लीग स्पोर्ट्स Then it is going to be the 5th and 6th spot Europa, then conference, then 8th or 10th team just to figure out, you know, 8 to 10 ke, top 10 ke in the conference team. Rahi. 11 टू 17 वो टीम जिनके बारे में एक्चुअली में तुम्हें फर्क नहीं पड़ता बट वो नेक्स्ट ईयर भी EPL में खेल रहे तो यस विदाउट वेस्टिंग मच टाइम तुम फटाफट से जाके लाइक और सब्सक्राइब करो ताकि फटाफट से थर्टी के सब्सक्राइबर हो जाए हम शुरू कर देंगे भाई क्योंकि टाइम वेस्ट करना मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद तो रेलीगेशन के साथ हम शुरू करने वाले बिल्कुल नीचे से ऊपर जाएंगे तो रेलीगेशन की शुरुआत करने के लिए जो पहली टीम में रेलीगेशन में डालने वालों एक्चुअली sure में लास्ट आई बहुत चांसेस है ये टीम जा तो लास्ट आई है नाइन दैट वुड बी बॉन माउथ बाई देखो इस साल आई नो वो प्रमोट हुए हैं काफी टाइम बाद बट दे चैंपियनशिप से प्रमोट होने के बाद पैसा मिला थोड़ा लगाओपीएल में टेक्निकली यू नीड टू स्पेंड मनी दिस नॉट गुड इनफ आई नो चैंपियन लीग चैंपियनशिप से किसी तरह उन लोगों को प्रमोशन गुड इनफीक है यू डिड वेल चैंपियनशिप सेम टू द ईपीएल बट टीम्स लाइक दिस जस्ट बिकेम टीम लाइक नॉर्वे चीन नॉर्वे प्राइम एक्साम्पल की तुम लोग ज्यादा स्पेंड नहीं करते अपने स्क्वाड के ऊपर तुम बस चैंपियनशिप से प्रमोट होते हो उसका पैसा लेते हो एंड देक्ट सीजन फिर से रेलिगेट होतेज गुड फॉर बिजनेस बट ईपिल आई डोट थिंक दट इस नेक्स्ट टीम जिससे मैं रेलगेशन में डालने वालू दैट वुड भी फुल हेम कार वालियो को लिवरपूल बेचने के बाद डू क्वाइट अ गुड बिजनेस ब्रॉड जो पोलिनियोनाइटेड से टू विन द चैंपियनशिप अगर वो एक और बार ही नीचे जाते हैं नॉट एनफ अगेन टू यू नो स्टे इन द ई पी एल भाई कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है हम आगे जाके देखेंगे द स्कोर्स आर मच 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 स्ट्रॉन्गर आई फील लाइक फुल गॉट Few players, जो कि कुछ गेम्स के अंदर यू कैन मेक एन इंपैक्ट है ना वो प्लेस रहेंगे लेकिन अगर स्पॉट की बात करूफेंसिप के अंदर थर्ड you know, स्पॉट तो तो वाली टीम एक्चुअली मेरे सेकंड सबसे ट्रिकी चीज है जो फर्स्ट सबसे ट्रिकी चीज होगी वो तुम्हें आगे जाकर खुद पता लग जाएगी तो तुम्हारे खुद के दिमाग के घोड़े नहीं भागेंगे लेकिन मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज था वेदर टू पुट लीड या फिर नॉ एगम Maybe, लोग कहेंगे कि दो में से एक टीम होगी लेकिन की, अगर मैं फॉरली बात करूं हाँ पे, क्योंकि आई वु नो लीड्स की तरफी बट देर ब्रॉट अलॉट ऑफ प्लेयर फाइव सिक्स रिक्रूटमेंट्स करी सीजन के अंदर दे हैवीन ट्रेनिंग इन बट जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल इंजरीज एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से लीड्स की पूरी हिस्ट्री सफ़र करी है यू नो द टाइप ऑफ फुटबॉल दे प्ले एंड दे गेट इंजर्ड वेरी फ्रीकुंटली पिछले सीजन में हमने देखा था कि कैसे दे व डूइंग डिसेंट मिड सीजन एंड देन इंजरीज के साथ वजह से भाई दे गॉट शैकल बहुत मुश्किल से वो लोग रेलिगेशन से बच थे ऑलरेडी तो आई थिंक इस वजह से आई थिंक इस सीजन नॉट एंड नफ भाई देखो तुम लोग थीखे स्कॉड डेप्थ में भी तुम लोग अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो टू अवॉइड दो थिंग्स बट फाइव प्लेयर जो कि उन लोग फाइव से रिक्रूटमेंट्स करिए आई थिंक टू ऑफ डेम वुड बी गुड एनअ

एट एंड दो दे एक्चुअली कम आउट ऑफ नो वेयर यूज ईपीएल के अंदर तो वो लोग उसे प्रॉब्लम रखेंगे सेवेंटीन के यू नो के ब्रैकेट में बट आई वुड गो हैड एंड प्लेस क्रिस्टल पैलेस देयर एक्चुअली में आई नो दे हैव डन लॉट टू इम्प्रूव द स्कॉट डेव उन लोगों ने कुछ सात आठ प्लेयर की रिक्रूटमेंट करी है यू नो इंक्लूडिंग फ्री एंड कुछ पेड ट्रांसफर्स एंड दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट स्कॉट डेब जो एक्चुअली में एक फेमस चीज अबाउट क्रिस्टल पैलेस कि दे हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स लेकिन ठीक है भाई दे आर प्लेयर्स कुछ स्पेशलिटी नहीं रहती उन प्लेयर्स के अंदर दे हैव ट्राइड टू सॉल्व इट बट आई डोंट थिंक इट दट हैजी सोल्व इट आई स्टिल फील के लेटी उनका अटैकिंग फोर्स जेमी वाडी वगैरह स्टिल वि बेटर आई नो किस माइट एक्चुअली लेफ्ट इट बट be in the एट to टेंथ वाला जो spot होने वाला है इनके साथ जो एक और स्कोर मुझे लगता है यहां पर finish करेगा That would be Newcastle. Now अव माई गॉड दिस इज दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी बट आई विल पुट न्यू कासल हेयर अब इसका एक बहुत बड़ा रीजन य है कि दो आई नो कि न्यू कासल ने पिछले सीजन इतने बड़े तरीके से पैसे स्पेंड करे थे एंड दे डिड देर वर्क आई बिलीव दे वुड बी एट्स आई बिलीव दे वुड भी एट्स वो कॉन्फिडेंस जस्ट मिस आउट करेंगे दो दे हैव बिल्ट अ वेरी गुड स्क्ॉड बट स्टिल इट इज़ नॉट लाइक उन लोगों का खुद का स्क्वाड इतना स्ट्रॉग नहीं है देव गॉड ब्रो का मारे ऑल दो प्लेयर्स जिन्होंने पिछले सीजन रेलगेशन से बचा के उन्हें कंफर्टेबल रख दिया था बट एट दिस पॉइंट वॉट यू नीड टू से बाकी सारे जो बच्चे स्कॉड है देव कैन प्रिटी गुड इंप्रूवमेंट इन दिसकॉड टू नो स्टे से भी ऑब्शियसली डालने में देरी कर दी बट वट आई फील लाइक इसके एस्टनविला वुड बी प्रॉबली टेंथ दे हम लोग देखेंगे न्यू कासल वुड बी द टीम दैट वुड बी एट्थ तो लेटेस्ट सी ये है मेरी प्रोडिक्शन सारी सही बट अब वो पार्ट आता है जहां पे तुम्हारे दिमाग के घोड़े भगने शुरू होते हैं कि भाई इन टीम्स को कैसे पुट करना है दे आर टॉप सेवन टीम्स एंड ओके ऑब्वियसली ऑब्वियसलीवन स्पॉट के ऊपर काफी दंगे फसाद आई नो लोग मेरे से काफी ज्यादा डिसएग्री करेंगे बट

चेल्सी इन माई कंपेरिजन इन माई ओपिनियन वुड भी द टीन दट कम्स सिक्स ठीक है भाई मैं स्टेट आई विल भी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इट अ प्रॉब्लम ये देखो दे हैव नॉट बिन वेरी कन्विसिंग प्री सीजन के अंदर उन लोगों के अभी भी काफी सारे अटैकिंग इशूज वगैरह सॉल्व नहीं हुए आई एम नॉट कन्विंस विद टूकल एज अ मैनेजर राइट नो राइट नो आई नो ऑब्वियसली ये बहुत बा, रिसेंटसी बायस वाला स्टेटमेंट है मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूं बट द प्रॉब इज जिस तरीके के उन लोगों ने स्कॉड बिल्ड कराया लॉट ऑफ इंप्रूवमेंट अफ प्लेयर्स हेर एंडर कुकरेला के साथ वो लोग अभी लिंक है कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ इस वीडियो की फिल्मिंग के दौरान एट द वेरी सेम टाइम आई नो की काफी सारे मेम्फिस डेपाई के साथ काफी सारे लिंक्स आ रहे हैं नो नो इफ देर एबल टू लैच ऑन टू कुरेला बिल्कुल ये साइनिंग हो जाती है एट द वेरी सेम टाइम देर एबल टू ब्रिंग टू और थ्री प्लेयर इन द मिड फील्ड एज वेल

थ्री टीम्स क्योंकि अभी के लिए इस हिसाब से तो मैं आस्टल को रख रहा हूं इन फोर्थ स्पॉट लेकिन सारे लोग कहेंगे लेकर आए हैं बट द प्रॉब गोट अ वेरी यंग स्क्वाड तो मेजोरिटी मैचेस के अंदर जब हम बिग मैच के अंदर देखते हैं फॉर द लाइक्स ऑफ मैचस्ेस्ेस्टर सिटी लिबरपुल इन सारे स्कॉर्ड्स के कंपेरिजन में मतलब आई नो दिस स्कॉड इज वेरी टैलेंटेड मोर टैलेंटेड इन कंपेरिजन टू मोस्ट ऑफ द टीम टॉप सिक्स एज वेल बट एक्सपीरियंस एक बहुत बड़ी नीड होती है आई थिंक मैं यूनाइटेड यहां पर खेल सकती है दे माइट एंड अप इन द टॉप फोर बट बट इफ चेल्सीज समाउ एबल टून इफ चेल्सी आई सेबल टू डू द साइनिंग जो मैंने बोला देर एबल टू ब्रिंग अ गुड स्ट्राइकर लाइक मैम फिर जब स्ट्राइकिंग ऑप्शन वो लेकर आ पाते हैं देर एबल टू ब्रिंग कोला देर एबल टू ब्रिंग अब्शन मिड फील्ड दे विल बी फोर्थनल विल बी द टीम ऑफ माई गॉड भाईलिंग बट ठीक है दे विल बी फोर्थनल विल कम सिक्स आई थिंक आसनल विलकम सिक्स अगर चलते किसी तरह अपने टारगेट्स एक्वायर कर पाते हैं क्योंकि आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड वो फिफ्थ स्पॉट पर अड़ी रहेगी बट लेट्स सी आई थिंक वी नीड टू सी कि क्रिस्टियनो रोनाल्डो रुकेगा नहीं रुकेगा इफ ही स्टेज थिंक माई चेंज दे माई टेंड अपन फोर्थ चलती हो सकती है बट राइट नाउ थिंक्स लुक वेरी वेरी क्रिटिकल नाउ दो आइनो मैंने अपनी गट फीलिंग वाली प्रिडिक्शन के अंदर स्पर्स को लीक जिताई है बट लेट एस बी ऑनस्ट विद Yeah, it is spurs lad come on it is spurs i feel like they are going to be third by liverpool is going to be second manchester city is going to win it erling brotheland will win the golden boot yes i feel like i feel like now yeah come on yeah let's be honest i think they have got everything possible to i, I feel like liverpool might actually have a very good chance provided provided एक कंसर्न है जो तुम्हें ध्यान में रखना पड़ेगा कि वर्ल्ड कप इस बार यू नो सीज़न के बीच में आएगा तो यू नो दे मेन प्लेयर्स मैं जैसे बात करूँ काइल वॉकर फॉर एग्जाम्पल ही विल हैव टू बी प्रिजर्व फॉर द वर्ल्ड कप यानी अगर कोई भी इंजरी कंसर्न आया कुछ भी आया को प्लेयर को बेनिफिट ऑफ द डाउट देना पड़ेगा उसे वो प्रॉपर रेस्ट देना पड़ेगा उसकी केयर रखनी पड़ेगी तो मे बी इस वजह से उस वर्ल्ड कप आने तक के टाइम पर इफ लिवरपूल इज एबल टू एक्सपेंड एक्सटेंड अ वेरी गुड लीड देन मे बी दे आर एबल टू विन द लीग लेकिन अगर उस टाइम तक यू सी अ वेरी क्लोज गैप एंड मैनचेस्टर सिटी इज स्टिल लीडिंग एक बार वर्ल्ड कप हो जाता है नो मैटर हाउ परफॉर्म इन द वर्ल्ड कप वर्ल्ड कप से आने के बाद रिडेमशन टाइम के ऊपर आते हैं वो लोग तो अगर इंग्लैंड किसी तरह इज एबल टू स्टे इंग्लैंड तो यू नेवर नो भाई फिर हो सकता है मे बी स्पर्स गो ऑन टू विन द लीग हैरी कैन पगला जाए हो रहा हो जाए बैलेंड डॉलर ले जाए वो साल का nobody knows nobody knows and nobody cares but I feel like this will be my prediction for now this is a very serious prediction from my side I feel like this is gonna happen though मेरा गट अभी भी कह रहा है कि स्पर्स पता नहीं कुछ कर जाएगी इस साल but if it does happen then तो you know यू ऑलवेज ट्रस्ट द गड बस भाई इसी के साथ यही खत्म करते हैं तुम लोग अपनी प्रोडिक्शन मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैव एंड ऑलरेडीडीड लाल लीग के ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है तो मेक श्योर की तुम लोग चैनल पर स्टिक कर इफ यू वॉन्ट द लाल लगा प्रिडिक्शन वाली वीडियो बस इसी के साथ वीडियो हम खत्म करते हैं सी यू गीस केर वॉयस एंड